कभी कोई न चारा खाले, ना मेरे शेरा वाले, ना मेरे छोटा वाले। जय माता दी, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं ट्रेन राइडर। आप सभी भक्तों के लिए हम घर बैठे आज के दिन माता रानी की यात्रा के नए और ताजे नज़ारे की वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, ताकि आप घर बैठे माता रानी के संपूर्ण दर्शन को प्राप्त करें और साथ ही साथ उनकी संपूर्ण जानकारियां जान पाए। आप सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जय माता दी की हाजिरी जरूर लगाएं। इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। पहले आप इस वीडियो में घर बैठे देख सकते हैं कटरा मार्केट। आप सभी भक्त देख लीजिए किस तरीके का माहौल हमें माता रानी के कटरा मार्केट से देखने को मिल रहा है। कभी इस मार्केट में लोगों का चहल पहल बिल्कुल बंद हो गया था या मार्केट बंद रहता था। मैंने खुद अपने चैनल पर इस वीडियो को दिखाया था जब आप देख सकते थे कि मार्केट पूरी तरीके से बंद था, लेकिन आज के दिन पूरी तरीके से चीजें बदल गई हैं और सिर्फ माता रानी की वजह से ही पॉसिबल है। आप घर बैठे देख लीजिए किस तरीके से कटरा का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। जहां पर श्रद्धालु की चहल पहल पूरी तरीके से बंद हो गई थी, वहां धीरे धीरे माता रानी की कृपा से श्रद्धालु की चहल पहल बढ़ रही है और इसका पूरा का पूरा लाइव प्रसारण आप घर बैठे ट्रेन राइडर चैनल पर देख रहे हैं। आप सभी भक्तों का कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को भी थोड़ा सा शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि और भी भक्त हमसे जुड़कर माता रानी के दर्शन घर बैठे प्राप्त करें। दोस्तों, बहुत सारे भक्तों के मन में ये डाउट होता होगा कि अगर हम माता रानी की यात्रा पर जाएंगे तो हमें कटरा में दुकानें खुली हुई मिलेंगी कि नहीं, हमें खाने पीने का कोई दिक्कत होगा कि नहीं। तो आपके सामने लाइव प्रसारण चल रहा है कटरा से, आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से दुकानें खुली हुई हैं, टैक्सी ट्रैवल सब कुछ चल रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम बात करें यात्रा में आने वाले श्रद्धालु की, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल यात्रा में आने वाले श्रद्धालु की संख्या अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे वो श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है। घर बैठे एक जानकारी मैं आपसे और शेयर कर दूं, जो आप लाइव नजारा देख रहे हैं ये यात्रा पंजीकरण काउंटर का है। दोस्तों, अगर आप माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है घर से रजिस्ट्रेशन कराने का। आप कटरा में भी आकर कटरा चौक में जाकर यात्रा पंजीकरण काउंटर पर जाकर अपनी यात्रा पर्ची ले सकते हैं और आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं फेस करना होगा कटरा में। अगर हम बात करें ये बस स्टैंड की, तो देख सकते हैं कभी इस बस स्टैंड में पूरी तरीके से खालीपन देखने को मिलता था, लेकिन आज माँ भगवती की कृपा से यहाँ पर लोगों का चहल पहल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका पूरा का पूरा लाइव प्रसारण आप इस चैनल पर देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर लोगों का चहल पहल बढ़ रहा है। अगर हम बात करें उन सारे लोगों की जो लोग की माता रानी की यात्रा पर ही डिपेंड थे, जैसे वो लोग जो कि ठेले लगाकर सामान बेचा करते थे, उनका क्या हुआ होगा उस समय, लेकिन आज माँ भगवती की कृपा से उनका कारोबार भी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बेच पा रहे हैं और लोगों से जुड़ पा रहे हैं। अब आप जो लाइव नज़ारा देख रहे हैं ना, वो माता रानी के त्रिकूट पर्वत का है बस स्टैंड से। देख लीजिए दोस्तों, घर बैठे माता रानी के ऐसे अद्भुत दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात है। दोस्तों, मैं आपसे अपने दिल की बात करता हूँ, मैंने जब माता रानी की यात्रा की थी ना, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आज हम अपने परिवार को इतना बड़ा कर लेंगे, इतने सारे लोग हम अपने परिवार में जुड़ जाएंगे। लेकिन आज माँ भगवती की कृपा से और आप सभी के सपोर्ट से हमने अपने चैनल पर काफ़ी सारे लोगों को जोड़ लिया है जो माता रानी के दर्शन प्राप्त करते हैं। आपकी तरह कभी मैं भी इस तरह से सोचता था कि काश मुझे घर बैठे माता रानी के भवन के कटरा के दर्शन प्राप्त हो, और आज हम तो दर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ आप सभी भक्तों को माता रानी के कटरा के भवन के दर्शन घर बैठे करा रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग सा अनुभव होता है। दोस्तों, कभी इस कटरा चौक के दर्शन मैंने आपको खुद अपने वीडियो में कराए थे जब श्रद्धालु की संख्या बिल्कुल यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आज आपको पूरी तरीके से देखने में काफ़ी खुशी हो रही होगी कि माता रानी के कटरा में धीरे धीरे श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है। कटरा को माता रानी की यात्रा का आधा भाग माना जाता है। माता रानी की यात्रा की शुरुआत ही यहीं से होती है और आज आप घर बैठे कटरा चौक के दर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अलग और अनुभव है। दोस्तों देखिए, डिजिटल दर्शन करने का अनुभव वही व्यक्ति समझ सकता है जो फिलहाल माता रानी की यात्रा पर नहीं जा रहा है, और उसको ऐसे दर्शन प्राप्त होना तो दिल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है कि काश माँ भगवती हमें ऐसे ही बुलाती रहे और हम ऐसे ही माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहें, घर बैठे भी दर्शन प्राप्त करें और वहाँ जाकर भी दर्शन करें। तो लाइव प्रसारण आप कटरा चौक से माता रानी के दर्शन को कर पा रहे होंगे। मुझे पूरा आशा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ होगी, माता रानी की यात्रा पर लोग और ज़्यादा बढ़ेंगे, धीरे धीरे संख्या इंक्रीज होगी और यहाँ पर भी उस तरीके का रौनक फिर से लौटेगा जैसे पहले कभी हुआ करता था। और मैं माँ भगवती से यही दुआ करता हूँ कि माँ भगवती आप सभी भक्तों को एक बार सेवा का मौका दे, अपने भवन में बुलाकर एक सुंदर दर्शन जरूर दे। इसके लिए आप कॉमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखिएगा। हम आ चुके हैं माता रानी की यात्रा गेट के पास और घर बैठे पहले तो आप माता रानी के त्रिकूट पर्वत के दर्शन करें। अपने आप में सुंदर दिखता है ये माता रानी का अद्भुत और त्रिकूट पर्वत। रात के समय जब हम माता रानी
इस त्रिकुट पर्वत को देखते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा फील होता है कि काश हम जल्द से जल्द माता रानी की यात्रा करते हुए इस त्रिकुट पर्वत से होकर माता रानी के भवन की ओर पहुंचे और हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो घर बैठे आप यहां का भी पूरी तरीके से दर्शन कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि आज के दिन किस तरीके का माहौल हमें यहां से देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों कभी मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया था कि यहां पर श्रद्धालु की संख्या बिल्कुल कम थी, कोई भी भक्त आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज माता रानी की कृपा से यहां पर धीरे धीरे श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है और किस तरीके का माहौल है वो आप घर बैठे देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप सभी भक्त वहां पहुंचने के बाद हम सभी भक्तों के लिए एक बार ब्लेसिंग जरूर से मांगिएगा कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली, जो हमारी ट्रेन राइडर की फैमिली है ना, वो सब अच्छे से खुश रहें और माँ भगवती उन्हें भी एक बार दर्शन करने का मौका जरूर दे। अब आप घर बैठे माता रानी के त्रिकुट पर्वत के दर्शन करने के बाद माता रानी के यात्रा गेट के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी यात्रा की शुरुआत ही इसी गेट से होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसा लगता है कि बस अब हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है, यहाँ से हमें मिलता है रास्ता जन्नत जाने का। और जब हम माता रानी के भवन की ओर पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम जन्नत की ओर आ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं माता रानी के यात्रा ट्रैक के पास। आप सभी भक्तों को पहले मैं मौसम की जानकारी दे दूँ, तो अगर आप माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं अपना गर्म कपड़ा ज़रूर से लेकर आइएगा। फिलहाल मौसम तो नॉर्मल है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है, लेकिन अब अपना गर्म कपड़ा रख लीजिएगा क्योंकि ठंड जो है वो सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि आपको दिन में ठंड ना लगे लेकिन सुबह और शाम में आपको ठंड डेफिनेटली लगेगा, इसलिए अब अपने घर से अपना गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर आएँ। अगर हम बात करें वहाँ पर सर्विसेज की, तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि फिलहाल माता रानी की यात्रा ट्रैक में जितनी भी सर्विस आपको मिलती हैं, चाहे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर, सारी सर्विस पूरी तरीके से मिल रही है। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों पता है जब हम माता रानी की यात्रा पर जाते हैं ना और ऐसे इंजॉय करके माता रानी के दर्शन को करते हैं तो एक अलग सा अनुभव मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों इससे इन लोगों को भी इनकम हो जाता है जो इस ढोल को बजाते हैं। तो मेरी आप सभी से निवेदन रहेगी, अगर आप जा रहे हैं पूरी तरीके से इंजॉय करके माता रानी के दर्शन करें, आपकी दर्शन जरूर सफल बनाएगी माँ भगवती। अब आप घर बैठे माता रानी के इस पावन भवन के सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर बसी है हमारी माता रानी और वहीं पर हमें मिलता है बहुत ही सुकून और शांति। घर बैठे आज के दिन माता रानी के इस अद्भुत पावन भवन के दर्शन करें जहाँ पर हमारी माँ भगवती विराज हैं। यहीं पर हम जाते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं और फिर माता रानी के दर्शन करके नीचे कटरा आते हैं। अपने आप में सुंदर दर्शन आज आप सभी भक्तों को घर बैठे करने को मिल रहा है। हम आप सभी भक्तों को घर बैठे माता रानी के इस पावन भवन से दर्शन करा रहे हैं, इसलिए आप सभी भक्तों का कर्तव्य बनता है कि कॉमेंट में जाकर जय माता दी जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें ताकि और भी भक्त जो माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं उनकी यात्रा बहुत अच्छी हो, वो आसानी से माता रानी की यात्रा कर पाएं, उन्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, हमारे चैनल के थ्रू वो सारी जानकारी जान पाए। बात करें अगर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं तो अभी भी आपके पास COVID-19 का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं, बाई फ्लाइट आ रहे हैं, तो आपका रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर टेस्ट हो जाएगा, अगर आप टेस्ट करा के नहीं आते हैं तो भी। अगर आप टेस्ट करा के भी आते हैं तो भी आपका दोबारा टेस्ट होगा एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर। अगर आप बाई बस आते हैं तो आपका लखनपुर में भी टेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिपोर्ट लेकर आते हैं 48 घंटों के अंदर का है तो आपको माना जाएगा लखनपुर में बस से आने पर। लेकिन अगर आप बाई ट्रेन या फ्लाइट आ रहे हैं तो भी आपका दोबारा टेस्ट होगा अगर आप करा के आते हैं तो। अब आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं डोरमेट्री के पास। घर बैठे आप देख लीजिए किस तरीके का डोरमेट्री होता है, और फिलहाल डोरमेट्री थोड़ी खाली भी है, भरी भी है। माता रानी की यात्रा पर जो लोग आते हैं वो इस तरीके के डोरमेट्री लेते हैं और यहाँ पर वो रुक सकते हैं। अगर हम बात करें भवन पर धर्मशाला की, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी पूरी तरीके से माता रानी के भवन पर जो निःशुल्क धर्मशाला है उन्हें बंद रखा गया है, अभी फिलहाल कोई धर्मशाला नहीं खुला है। अगर आप माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं, रुकना चाहते हैं, तो आपको डोरमेट्री या रूम लेना होगा जो कि पूरी तरीके से पेड होता है, और अगर आप चाहें तो इसका बुकिंग ऑनलाइन भी करा सकते हैं, नहीं तो आप आकर भी यहां पर बुकिंग ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आप सभी भक्तों को घर बैठे कटरा के दर्शन कराए, माता रानी की यात्रा ट्रैक के दर्शन कराए और कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी। होप्स ऑफ कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और भक्त भी हमसे जुड़ पाए और उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन माता रानी की यात्रा से रिलेटेड हमसे मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कर ले, वहां पर हम आप सभी भक्तों के लिए माता रानी के लेटेस्ट पिक्स को पोस्ट करते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक जुड़े रहिए हमारे इस प्यारे से चैनल के साथ। देखते रहिए ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।